या प्रभात जाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई जी शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया यहाँ। सवाल है आपका सर से पूछने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं दरअसल पूछने वाला था। जी नमस्कार आपका, राजपूत सर। नमस्कार, बोलिए। जी मैं दरअसल पूछ रहा था आपको कि बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, कल आपने देखा होगा 62 रनों पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया टीम को, तो उसके बारे में जिस तरीके से वो बढ़िया प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, तो एक दावेदार नजर आ रही है क्या वो T20 वर्ल्ड कप के लिए? ये तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज T20 में कोई भी टीम, जिस जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जी लेकिन बांग्लादेश में खेलना और बांग्लादेश में जीतना उनके लिए बहुत इजी होता है, बिकॉज दे हैव विकेट्स टू शूट देम। उनके बिल्कुल आपने विकेट्स देखे होंगे कि वो बहुत स्लो होते हैं, टर्निंग होते हैं, बिल्कुल इसलिए जो भी टीम वहां जाती है वो स्ट्रगल करती है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं देन वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, बिकॉज अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फोर को अभी फोर वन चार एक जीता से। है जी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसके बाद अभी आई थिंक न्यूजीलैंड इज ऑल्सो गोइंग देयर, सो उनको अच्छा मैच प्रैक्टिस होगा वर्ल्ड कप के पहले। लेकिन वर्ल्ड कप इज इन यूएई एंड ओमान, सो इट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ विकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल सो वो विकेट्स पे उन लोग के बॉलर्स, जो स्पिनर्स है, कितना उनको टर्न मिल पाएगा वो देखना है। और मुझे लगता है कि एज रिजल्ट, अभी जो बांग्लादेश का रिजल्ट है वैसा रिजल्ट यूए में नहीं होगा। जी बिल्कुल, ऐसा सही कहा आपने। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे फिर भी 4-1 से हराया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा भरा होगा कहीं ना कहीं, और विश्वास आएगा इससे कि अब बेहतर कर सकते हैं आगे। जरूर विश्वास तो आएगा, इट्स अ कॉन्फिडेंस गेम, तो जी इसीलिए देखना है कि वो बाकी टीमों से भी कैसे खेल सकते हैं। बिकॉज ही ये दो दो ग्रुप होगा, उसमें लीग फेज होगा, हाँ लेकिन काफी टीम अपने आप खेलेगी एक एक दूसरे के साथ, तो देन दे विल कम टू नो देयर वीकनेस आल्सो। तो हर एक टूर्नामेंट में आप कैसे आपका मोटिवेशन रखते इतने लंबा तक, क्योंकि क्या होता है कि आप पहले 2-3 में अच्छा खेलोगे, लेकिन जैसे सीरीज चलता है देन यू ट्राई टू टेंड टू गो डाउन। सो वो नहीं होना चाहिए, बट यस, कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी ऊपर अच्छा है। यू नेवर नो न्यूजीलैंड के साथ क्या होगा, न्यूजीलैंड टीम इज ऑल्सो वेरी गुड इन T20। तो ये सब देखना है कि जब तक वो वर्ल्ड कप में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा।